हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्नोफ्लेक डायरी। और मैं सुबह सुबह उठ के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ क्योंकि आज है दिवाली। सो हैप्पी दिवाली सबको, बहुत सारा पटाखा फोड़िया और बी सेफ, ये तो बहुत ज़रूरी है। एंड अभी मैं थोड़ा बहुत अपना ब्रेकफास्ट करके चली जाऊँगी पार्सल लाने के लिए। सो आप लोग देखते रहिए आज का ब्लॉग, मैं यहीं से। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ पार्सल लाने और रास्ता का हालत आप लोग को मैं क्या बताऊँ। मैं रुकी, मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैं फिलहाल पार्सल लेके आ जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को श्योर दिखाऊंगी। चलिए, और क्या पार्सल आया है वो भी दिखाऊंगी। चलिए 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 चलिए। दिस इज माई पार्सल, कितना प्रीटी है। मैं बना रही हूँ मिक्स वेज और इधर पनीर, और मम्मी ने बनाया हुआ है दाल और भी कुछ है। तो लंच पका के उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगी, फ्रेश होकर खाना खा लूँगी। सो आज का लंच में तो वेज है क्योंकि पूजा का टाइम है इसलिए। सो मैं लंच वंच करके थोड़ा बहुत रेस्ट करके आप लोगों के साथ मिलूँ। सो गाइस, अभी तो मैं फिलहाल फ्रेश होके आ गई हूँ और अभी मैं थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी रंगोली, उसके बाद दिया हुआ वो सब सजा दूँगी। सो दिवाली का उतना कुछ प्लानिंग्स तो नहीं है, पर स्टिल देखती होगी क्या करूँगी। और शायद वो इवनिंग को लगभग 6 बजे ऐसे को हम लोग, मतलब मैं, मम्मी और पापा, हम लोग जाएंगे काली मंदिर में, वो भी प्लानिंग है। और कुछ प्लानिंग नहीं है, मुझे तो एक्चुअली मेरी बहन के पास जाने का बहुत मन था पर नहीं हो पाया, बहुत अफसोस का बात है, और वो भी नहीं आ पाई। तो हम लोग, मैं भी अकेले, वो भी अकेले, यही बात है। तो चलिए, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। रंगोली कैसे बनाऊँगी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। मैंने जो कलर लाया है ना, वो एक्चुअली मुझे गलत वाला दे दिया, इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है ड्रॉ करने में। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और अभी लगभग 4:45 बज रहा है और अभी मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। एंड मैं कब मतलब रेडी होके निकलूँगी, कब जो दिया होता है वो सब लगाऊँगी, मुझे नहीं पता। ये देखिए बैकग्राउंड में, मैं अभी भी कर रही हूँ। मुझे गलत दे दिया, वाई वाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई वाई। तो अभी मेरा रंगोली बनाना डन, और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दिया ये सब का, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुकी है, फिर भी मैं जल्दी में कर रही हूँ। फिर से मुझे रेडी भी होना है, फिर से मंदिर जाना है। तो चलिए, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ उसके बाद। विथ माई डेकोरेशन, मम्मी बम उड़ा रही है, मम्मी का तो अभी से ही शुरू। सो मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बात भी नहीं कर पा रही हूँ, आज तो बम ही बम पड़ेगा। सो मैं जितना सकूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैं आप लोगों से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी ये सब चल रहा है मेरा। तो फिलहाल तो मैं अपना बिफोर और आफ्टर लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, आई एम फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। बहुत सा मिनिमल एक मेकअप, नॉट ए मिनिमल मेकअप, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है, फिर भी एक्चुअली मैं ये मेकअप का एक राज बताती हूँ कि मैंने कोई ब्रश या सब कुछ भी नहीं लाया। ये मेरा जो फिंगर देख रहे हो आप लोग,
ये देखिए सब इसका ही कमाल है, मैंने इसे ही सब कुछ कर लिया। सो जो भी हो मैं थोड़ा बहुत इस आउटफिट में पिक्चर क्लिक करूँगी, उसके बाद मैं फिर से और एक कुर्ती पहन के मैं चल जाऊँगी मंदिर। सो या थोड़ा बहुत मैंने पिक्चर क्लिक कर लिया है और इधर मम्मी क्या कर रही है, पिक्चर ही क्लिक कर रही है। और फिलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। आई डोंट नो, जो भी हो मैं हिंदी तो क्या बोलूँ, इतना कचरा है गाइस, इतना कचरा है। तो और मम्मी पापा सच में मुझे छोड़ के निकल गए, फिर भी मैं मतलब क्लिप ले रही हूँ। और मतलब मेरा सामान इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है, फिर भी मैं दौड़ के जा रही हूँ। अभी मैं रास्ते में जाके आप लोगों से, लोग जा रहे हैं शॉप पे फल और मिठाई ये सब खरीदने, तो सामने ही है दुकान। मम्मी ले रही है सब कुछ, फल वगैरह बहुत सारा फ्रूट्स है इधर। फिर मैं पहुंच गई थी स्वीट्स के दुकान पे, क्योंकि थोड़ा बहुत स्वीट्स भी ख़रीदना था और थोड़ा बहुत पैकिंग भी चाहिए था घर के लिए। फिर हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और कितना सुंदर से डेकोर किया गया है देख पा रहे होंगे आप लोग। और हम लोग हर साल इस मंदिर में आके हम लोग भोग चढ़ाते हैं सभी साल, तो इस बार भी आए हैं हम लोग। और उसके बाद मैं और मम्मी पापा सभी मिलके हम लोग अगरबत्ती दिया सब जला लेंगे। और अभी तो प्रसाद नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, कल सुबह आके पापा प्रसाद लेके जाएंगे। फिर थोड़ी देर इधर बैठ के हम लोग चले जाएंगे घर। खतरों के खिलाड़ी, जल गया। गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और घर पहुंचते ही मैं पटाखा फोड़ना शुरू कर दिया है। और सबको बहुत सारा शुभकामनाएं दिवाली की। और अभी मैं मेरा जो सामान बिखरा हुआ है मैं वो अपनी ठीक कर लूँगी, उसके बाद डिनर करूँगी, सो उसके बाद सो जाऊँगी। सो मिलते हैं कल सुबह। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और अभी मैं फिलहाल मैं फ्रेश होके ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके, और आज का मौसम क्या बोलूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम से वेदर क्या बोलूँ बहुत ज़्यादा सुहाना है। सो आज मैं क्या बनाऊँगी मैं दिखाऊँगी, मैं घर आने से मैं हर दिन मैं ही कुक करती हूँ, तो आज मैं क्या बनाऊँगी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इवनिंग में थोड़ा बहुत प्लान है कुछ करने का, सो वो भी आप लोग मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो किसी के ऊपर फिस लो या फिर ना फिस लो, इसके ऊपर तो फिसलना ही है गाइस, क्या बताओ है कितना प्यारा लग रहा है। और मैं ना रास्ते में जाते हुए मैं यही देख के जा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है, और ना और सामने से और भी ज़्यादा मतलब क्लोज लग रहा है, कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है पर सामने से और भी ज़्यादा क्लोज लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ थोड़ा गिफ्ट्स ख़रीदने, क्योंकि सामने ही परसों ही है भाई दूज, इसीलिए बुआ बुला रही है कि आओ भाई दूज सेलिब्रेट करेंगे एक साथ, सो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। फिर मैं और मम्मी पहुंच गए थे साड़ी के दुकान पे साड़ी ख़रीदने बुआ के लिए, पर हम लोगों को उतना कुछ खास नहीं लगा पता नहीं क्यों। और ये दुकान मेरे घर के पास ही है, इस दुकान से मैं लेती रहती हूँ, पर पता नहीं इस बार मुझे अच्छा नहीं लगा उतना, सो इसीलिए मैं और मम्मी चले गए थे होजाई। और होजाई में एक हम लोग शॉप में आ गए थे बड़ा सा, तो उधर बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन था, तो इधर से हम लोगों ने एक साड़ी ले लिया। ख़रीदना ख़त्म और हम लोग जा रहे हैं अभी मोमोज खाने, और इधर हो जाए में बहुत अच्छा मोमोज मिलता है। सो गाइस फाइनली अभी मैं घर पहुंच गई हूँ बाज़ार से, और बहुत सारा शॉपिंग किया मैंने और मम्मी ने, तो फिलहाल मैं जाऊंगी पापा के ऑफिस क्योंकि पापा को देने जाना है कुछ खाने का सामान, प्याज का चाप
और घर पहुंचते ही मैं लग गई थी कुकिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और 8 बज गया था, इसलिए मैं बहुत जल्दी में कर रही थी एकदम से, क्योंकि पापा भी ड्यूटी से आने वाला है और उसके बाद हम लोग एक साथ डिनर करेंगे, इसीलिए अभी भी मैं कुक कर रही हूँ। और मेरा जो पनीर और चिकन है वो कंप्लीट, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, मतलब कैसे बनाया है नहीं, मतलब कैसा हुआ है दिखने में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज, अभी मैंने खाना वाना कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने तो देखा ही है बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, पूरा कोड़ा कोड़ा, बहुत मज़ा आएगा। मुझे ठंड, मतलब ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, वो ब्लैंकेट लेके सोना, मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब 90% लोगों को ठंड का मौसम ही अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा है कि आज का ब्लॉग यही एंड कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। सो आज का वीडियो मैं यही एंड कर, अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो बाय बाय।